वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज हम उपस्थित हूं क्लास 10 से स्टैटिक्स चैप्टर 14.1 की कुछ और क्वेश्चनों के साथ। जैसा कि इससे पहले भी हमने इसका फुल कॉन्सेप्ट मीन मीडियन मोड का वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 14.1 चैप्टर का, उसका भी क्वेश्चन वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकैलिटी। यानी एक लोकैलिटी में, एक सोसाइटी में कुछ बच्चों का जो डेली पॉकेट अलाउंस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार किया जाता है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 और दिया है कि इसका जो मीन पॉकेट अलाउंस है वो ₹18 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऐप। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिए हुआ है उसके आधार पर हमको मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है, उसको हम नोट करेंगे। दिए हुआ है कि इस प्रकार इंफॉर्मेशन है, ये है आपका डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस इस प्रकार, तो इस प्रकार ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि डेली पॉकेट अलाउंस जो रुपीज में है वह 11 से 13 रुपया 7 जो है नंबर ऑफ वर्कर्स को दिया जा रहा है। यानी नंबर ऑफ वर्कर्स कह सकते हैं उसमें से 13 से 15 जो है 6 है, 15 से 17 जो है 9 है, और 17 से 19 13 है, 19 से 21 जो है एफ है, और 21 से 23 5 और 23 से 25 4 है। और क्या दिए हुआ है कि द मीन पॉकेट अलाउंस, और दिए हुआ है क्या है कि मीन पॉकेट अलाउंस, मीन पॉकेट अलाउंस दिए हुआ है ₹18। तो हमें क्या करना है, ये फ्रिक्वेंसी जो एफ है, मिसिंग एफ है, उसका वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क यानी मार्क हमको एक्स निकालना है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, क्लास जो इंटरवल होता है उसका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। यानी हम इसको क्लास मार्क जो निकालेंगे उसके लिए क्या करना होगा, तो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है उसमें हम उसके लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार क्लास मार्क निकल गया। और फिर उसके बाद हमको सिग्मा एफ और सिग्मा एक्सेप्ट निकालना होगा। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं एक ढांचा में, और उसमें हम इसका क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो भी है डेली पॉकेट अलाउंस जितना है 11 से 13 7 है, और 13 से 15 6 है, 15 से 17 इस प्रकार है। अब हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो सभी का क्लास मार्क निकालेंगे, जैसे पहला का हम क्लास में निकालेंगे, इसका क्लास मार्क क्या होगा, हमने बताया था कि अपर लिमिट, तो इसका हो गया कितना 13, और जो लोअर लिमिट कितना है 11/2, यानी हो गया 13 11 3 4 2 1 2 24, यानी हो गया आपका 12। तो ये हो गया हमारा कितना 12, है ना। ये हो गया 15 13 कितना हो गया, देखो फिर हो गया 15 जोड़ 13/2 यानी 28, यानी हो गया 2, यानी हो गया 14। तो ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 7 5 12, ये होगा 9 7 16, तो ये हो गया 9 7 16, यानी हो जाएगा, अब देखिए इसमें तो ये हो जाएगा 14 15 16, यानी 12 14 16, देखा देखो 19 प्लस 17/2, तो 9 7 16 1 1 3 36, यानी हो गया कितना 18। तो 16 2 9 18, फिर हो गया ये, अब यहाँ हो गया 20, ये हो गया आपका 23 4, यानी हो गया 5, उसके बाद हो गया ये 24, यानी 5 3 8। यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क सबका निकालें। क्लास मार्क निकालने के क्या करेंगे, तो अपर लिमिट में हम जो है लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार हम क्लास मार्क निकालें। अब हमको निकालना है क्या, एक्स एफ, यानी इसको हम फ्रीक्वेंसी माने और ये क्लास मार्क, अब दोनों का गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। तो 12 7 84, इसको यहाँ लिखेंगे 14 6 84,
देखो 16 नमा 144, इसको हम गुना करके इस प्रकार सारे को लिख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार हम गुना करके लिख लेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया, अगर इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार आया। अब हमको निकालना सिग्मा एफ और सिग्मा एक्स है, तो हम इस सबको जोड़ते हैं तो ये आता है हमारे पास 24 प्लस ये एफ तो रह जाएगा, और यदि हम इसको जोड़ते हैं सिग्मा एक्स एफ को जोड़ते हैं तो ये आता है हमारे पास 752 प्लस 20 एफ, क्योंकि 20 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 एफ, और इसके साथ वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो अब हमको मीन निकालना है, तो मीन दिए हुआ है इसका कितना दिया हुआ है 18 दिए हुआ है। तो हमको जानते हैं कि क्या होता है कि मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे कि मीन बराबर होता है क्या होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पे क्योंकि सिग्मा एक्स एफ कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 752 प्लस 20 एफ बाय हो गया कितना 44 प्लस एफ बराबर, यानी इसका मीन जो है वो कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो 18 लिख देंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, तो 44 को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ हो गया 752 प्लस 20 एफ बराबर हो गया 18 को हम 18 इंटू 44 प्लस एफ इस प्रकार से हम इसको गुना कर लेंगे। तो हम इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 से 44 गुना करेंगे तो हो गया 1872, समझ गए 7 18 74 79 प्लस हो गया 18 एफ। अब हम एफ को इधर ले आते हैं तो कितना हो गया 20 एफ माइनस 18 एफ हो जाएगा और 792 रहेगा और 752 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2f बराबर हो जाएगा 0 और 9 4, यानी f का वैल्यू हो गया, यानी 2f बराबर हो गया 40, तो f बराबर कितना हुआ 40/2 काटेंगे तो हो गया 20, ये हमारा आंसर हो गया। तो f का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया 20, इसका वैल्यू हमको कितना निकल गया 20, ओके। तो ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी था उसका मान हमको निकल गया 20, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।